बेचेंगे। अच्छा जी, इसके तीन चीज़ें हैं हर फ्रूट के एतबार से। एक तो ये मैंने जब आपसे जिक्र किया और आपने खुद फरमाया आप सब लोगों ने कि एक तो ये है कि इसके अंदर सेहत के हवाले से बहुत सारे अच्छे अज्जा हैं, विटामिन सी एट्सेट्रा एंड फाइबर। और आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक ज़माने में रिसर्च हुई कि जो समंदर में ट्रैवल करते थे लोग तो उनको स्कर्वी होता था। स्कर्वी एक बीमारी थी जो पता ही नहीं था कि क्यों होती है। वो सिर्फ विटामिन सी की कमी, समंदर के अंदर अगर लंबा सफ़र हो तो विटामिन सी अगर ना मिले तो स्कर्वी बीमारी होती थी। तो रिसर्च हुआ, पता चला कि ये बीमारी इन फ्रूट से जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है उससे हल हो जाती है। उसके बाद फिर ये चीज़ें खुद भी इम्प्रूव होती गईं। यानी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक बड़ी खूबसूरत पैकेजिंग है हर चीज़ की। इंसान सीख ही रहा है पैकेज क्या करे, कैसे करे, और पैकेजिंग के अंदर इंसान को प्लास्टिक के अलावा कुछ नज़र भी नहीं आता। अल्लाह ताला के यहाँ के बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल जो हैं उसके अंदर किनू मिसाल के तौर पर बेहतरीन पैकेजिंग मटेरियल है कि उसको आपने छीला और वो बायोडिग्रेडेबल है। और मुझे याद है कि माल्टे के मुकाबले पर जो ऑरेंज होता था जिसको काटा जाता था, किनू एक सोशली एक बड़ा मज़ेदार सा फल है जो सर्व होता है, तो उसके अंदर आदमी खुद ही उसको अनपैक भी कर लेता है और उसको खाता भी है। अच्छा, जब आप ये चीज़ दुनिया के अंदर बेचें तो दुनिया के साथ साथ मैं अपनी आवाम की बात भी करना चाहता हूँ, और आप भी करते हैं। आपकी मेजर सेलिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। तो ये एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होता है तो यील्ड बेहतर होती है, तो फिर ये हर आदमी की रीच में भी पहुँचता है। अब जो एग्जिस्टिंग आपका हेक्टेयर है, जितने एरिया के अंदर आप इसको जितने एरिया के अंदर आप इसको ग्रो कर रहे हैं, वो मुतबादल सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि बजाय इसके कि इसका हेक्टेयर एक्सपेंड करें, क्योंकि हेक्टेयर एक्सपेंड करने का मतलब, एरिया एक्सपेंड करने का मतलब कोई और क्रॉप कम होगी तो ये बढ़ेगा, ये वैल्यू एडिशन है। ये इसका एक्सपेंशन भी इसी एतबार से होगा कि इसकी इसमें आपको कितनी वैल्यू मिलती है। तो लिहाजा द यील्ड जो है पर एकड़, ये बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, ये कैसे इम्प्रूव होगी? या तो दुनिया में देखा जाए कि कहाँ यील्ड बेहतर है, उनसे सीखा जाए, उनका पर्टिकुलर सीड के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाए, और अपने माहौल के एतबार से अपनी रिसर्च करके इसको यील्ड को बेहतर करें। आपने जिक्र फरमाया कि जनाब सीडलेस की बड़ी दुनिया में मांग है, जाहिर है, यानी आम भी अगर बगैर गुठली के हो तो कितना ही अच्छा है, मगर ये कि दुनिया चाहती है ये केले के अंदर कोई बीज नहीं होता तो बड़ा मज़ेदार है कि उसके बीज का क्या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीडलेस वैरायटी की मांग ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जिसका आपने जिक्र किया बड़ी अहमियत रखता है। मैं हर एक के साथ ये बात करता हूँ हर मामले के अंदर के यूनिवर्सिटीज़ का हमारा मार्केट के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। जब इनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो यूनिवर्सिटीज़ में जो ह्यूमन रिसोर्स है तालीम के एतबार से या स्किल्स के एतबार से, तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ मार्केट का कोलैबोरेशन हो। वरना होता ये है कि आइवरी टावर में बैठकर यूनिवर्सिटी समझती है ये अच्छा है, हम ऐसे लड़के प्रोड्यूस करेंगे, और जब वो मार्केट में जाते हैं, लड़कियाँ जब वो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में उनकी ज़रूरत नहीं है। और ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी होता रहा। कभी कभी तो हमने बड़े डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए 70 और 80 की दहाई में, हमारी मार्केट की ज़रूरत नहीं थी, सब बेचारे बाहर माइग्रेट करके चले गए और इतना अच्छा टैलेंट हमने लूज़ किया। तो मार्केट को पहचानते हुए अगर कोई मामला इम्प्रूव किया जाए तो बहुत अच्छा। तो लिहाजा आपके यहाँ एक अच्छा कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के साथ। मैं समझता हूँ कि जैसे आप चैम्बर, यूनिवर्सिटी, प्रोड्यूसर्स उसके साथ कोलैबोरेट करें, एंड द गवर्नमेंट जब उसके साथ कोलैबोरेट करें, तो दिस कैन बी एन एक्सलेंट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड ऑन किनू एंड सिट्रस फॉर एग्जाम्पल। सेंटर आपने देख लिया, सेंटर के अंदर कभी पैसा भी डालना पड़ेगा तो गवर्नमेंट भी आपके साथ कोऑपरेट करेगी। मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी करेगी, करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, इनको भी करना चाहिए, ताकि वहाँ के आप दोनों चीज़ें यील्ड बेहतर करें पर एकर बहुत अहम है, और उसके साथ साथ आप
क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो दुनिया को ज़रूरत है और जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो भी आप इम्प्रूव करें। इसके अंदर दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट, मैं समझता हूँ कि एक वैल्यू एडिशन की यहाँ बात हुई और एक एक्सपोर्टर जिनको शील्ड दिया गया उन्होंने वो जूस बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। ऑफकोर्स जूस, मार्मलेड, जैम्स, ये इसकी वैल्यू एडिशन है। तो वैल्यू एडिशन की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है कि उसको जो भी आप चीज़ भेजना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उसका वैल्यू एडिशन इस अंदाज से किया जाए। नए वेराइटीज़ आप खुद भी उसके अंदर करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोल्ड चेन का एहतमाम होना कि प्रोडक्ट ख़राब ना हो। दुनिया के अंदर ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं फूड ख़ास तौर पर, उनका मूवमेंट के अंदर नुकसान बहुत होता है, तो इसको प्रिजर्व कर लें तो कोल्ड चेन भी बेहतर हो। तो मैं समझता हूँ कि ये टास्क ऐसी है कि मिसाल के तौर पर अगले साल जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएं तो मुझे आज और अगले साल के दरमियान के फिगर्स भी बताएं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ। ये बड़ा अहम है, वरना एक जेनरिक सी बात हो जाती है कि भाई ये चाहिए, ये होना है, ये होना है, ये होना है। मुझे तो ये भी देखना है कि आपने और हमने मिलकर कितना कर लिया है। ये मीट्रिक्स होते हैं, ये क्राइटेरिया बेइंतहा ज़रूरी है। आपने बहुत सारे जगह एक्सपोर्ट के हवाले से कीनिया, थाईलैंड और यूरोप का जिक्र किया, मगर एक इसका एंट्री होने वाली है पाकिस्तान में, इज़ द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इंशाल्लाह अफगानिस्तान में अमन होगा, और जैसे ही अमन होगा तो अफगानिस्तान की मईशत भी बेहतर होने का इम्कान है, तो वहाँ से भी आपकी डिमांड बढ़ेगी। और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो कम्युनिकेशन रास्ते खुल रहे हैं और जो तुर्की के साथ यूरोप का रास्ता ट्रेन के जरिए भी खुल रहा है, ये वो चीज़ें आसान कर देगा कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर भी आपका गुंजाइश बनती जाए। आप हमें भी बताइए, हम समझते हैं कि क्वालिटी अवेलेबल होना चाहिए, हम समझते हैं कि अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए है, मार्केट के अंदर कीमत कम हो, और क्वांटिटी भी मैं समझता हूँ कि सिट्रस के हवाले से और किनू के हवाले से, बीइंग द 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यू आर द 5th बिगेस्ट कंट्री एज फार एज ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न, तो 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से कहीं ज़्यादा यू शुड बिकम एटलीस्ट द 5th। देखो असल फुटप्रिंट पाकिस्तान का कम से कम उतना तो हो जितनी इसकी पॉपुलेशन है। अगर आप 11th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो इसका मतलब ये कि आप अपनी पॉपुलेशन की जो जरूरियात होनी चाहिए वो भी मीट नहीं कर रहे। यू शुड बी द एटलीस्ट द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टू मैच योर पॉपुलेशन। 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो। तो लिहाजा ये जो फिगर्स हैं इसके अंदर मैं समझता हूँ सबसे अहम चीज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी वुड लाइक टू सी इसके आपका यील्ड बढ़ा, आपका प्रोडक्शन बढ़ा, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। और एक बज वर्ड है इन चीज़ों के अंदर जो सेल करता है बड़ा अच्छा, एंड दैट इज ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, है ना। इसके ऊपर भी तवज्जो दे लें, लोग नीश बना लेते हैं अपनी कि जी मेरे फार्म से सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जाती है, और अगर कोई सर्टिफाइंग एजेंसी हो हुकूमत की वो ठप्पा लगाए कि जी दिस इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक का मतलब फर्टिलाइजर नहीं यूज करते या नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक इज अ बज वर्ड जिसके अंदर वैल्यू एडिशन बेहतरीन होने का इम्कान है, यानी द प्रोडक्ट डबल इन प्राइस अगर आप उसको ऑर्गेनिक अंदाज से करें। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप यहाँ फेस्टिवल मनाते हैं, अच्छे अच्छे जूसेस पीने का भी मौका मिलता है, और मैं डिप्लोमेटिक कोर के साथ एक मैंगो डिप्लोमेसी हमने एक की और बड़ा अच्छा उसके अंदर तआवुन रहा विद द कोऑपरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, कि हम दुनिया में मैंगो, पाकिस्तान का मैंगो भेजते हैं और उसकी कदर बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब फ्रूट जाता है कंपेयर टू एनी अदर गिफ्ट तो फ्रूट लोग खाते ज़रूर हैं, तो लिहाजा हमने वो कोशिश की, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर सारी डिप्लोमेटिक कोर को भी इस फ्रूट से आगही कि पाकिस्तान का कीनू कितने मज़े का है, और यही हम दुनिया के अंदर भी इसको पॉपुलराइज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, ट्रेमेंडस वर्क विच इज़ गोइंग ऑन इन सरगोधा, और एंड आई वुड लाइक टू एनकरेज कि ये सरगोधा के अंदर इस चीज़ का ये नीश बनाकर दुनिया के अंदर बेहतरीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएं। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम।
पाकिस्तान का तशावा फलों में दुनिया भर में 11वां नंबर है। दुनिया में आपको जहां मार्केट मिले आपको अपनी अशिया पहुंचानी होंगी, पहुंचा सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से मदद से हम पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ा सकते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे।